तो ये निर्धारण कहां हुआ कि कर्म के आधार पर, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। तुम्हारा जैसे जैसे कर्म बदलते गए और वैसे वैसे वो जाति का निर्धारण होता चला गया। और अब तो जाति इस समय तो जन्म के आधार पर ही है। भरद्वाज जी ने महाराज प्रश्न कर दिया, ब्राह्मण केन भवती क्षत्रियो वा द्वजोत्तम वैश्य शूद्रश्च विपर्षे तद ब्रूहि बदिताम बरह। महाराज आप कृपा करके हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की संक्षेप में व्याख्या बता दीजिए। तो इन्होंने महाराज जैसे पूर्व मैंने सुनाया था उसी प्रकार का ज्यों का त्यों ही है, क्योंकि यहाँ श्रोता वक्ता बदल गए हैं, इसलिए क्योंकि इस समय वक्ता के रूप में भृगु जी हैं, श्रोता के रूप में भरद्वाज जी हैं, किंतु हमने तो पहले सुना दिया था, इसलिए यहाँ वक्ता श्रोता बदले नहीं है, इसलिए हम दोबारा पृष्ठ पेषण नहीं करेंगे। महाराज इन्होंने यहां पर सत्य की बड़ी महिमा बताई। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, सत्यम ब्रह्म तपस सत्यम, सत्यम विसृजते महाराज विसृजते प्रजाहा, सत्येन धारते लोकाहा, स्वर्गम सत्येन गच्छति। सत्य ब्रह्म है, तप सत्य है, और तप से ही प्रजा का सृजन होता है। तप से ही महाराज सत्य से ही जगत का धारण होता है, और सत्य से ही स्वर्ग निर्धारित है। इन्होंने कहा कि जो असत्य है वह अंधकार है, और जो सत्य है वह प्रकाश है। स्वर्ग प्रकाशः, ये सत्य प्रकाश स्वरूप है, इसलिए स्वर्ग है। और नरकम तम एव च, जहां पूर्ण अंधकार है नरक लोक वह निश्चित रूप से नरक है। सत्यानृतम तदुभयम प्राप्यते जगदीश्वर, ये निश्चित रूप से जगत का निर्धारण जो हुआ है वो जगदीश से ही हुआ है। यहां कहा कि जो तप के द्वारा अपना चाहे तो निश्चित रूप से संपूर्ण जीवन के पाप ताप संताप समाप्त कर सकता है, अपने जीवन के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इन्होंने कहा कि महाराज एक हमारा प्रश्न है, भरद्वाज जी कहते हैं, दानस्य किम फलम प्राहु धर्मस्य चरितस्य च तपस्यश्च सुतप्तस्य स्वाध्यायस्य हुतस्य वा। महाराज दान का क्या फल है और धर्म का क्या फल है, तपस्या का क्या फल है, स्वाध्याय का क्या फल है, अग्निहोत्र का क्या फल है? तब दान करने से क्या मिलेगा और हमारे तपस्या करने से क्या मिलेगा, धर्म को धारण करने का क्या फल है? भृगु जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते हुतेन साम्यते पापम, यदि आप आहुतियां डालेंगे तो पाप नष्ट होगा। अग्निहोत्र से पाप का शमन होता है, और स्वाध्याय ही शांति ही उत्तम। जिसके जीवन में स्वाध्याय होता है उसके जीवन में उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। और सच में नारायण आप प्रयोग करके देखना, अगर शांति चाहिए तो स्वाध्याय परम आवश्यक है। आजकल सबसे ज्यादा यदि ह्रास हो रहा है किसी का तो स्वाध्याय का हो रहा है, प्रवचन उससे ज्यादा होते हैं, स्वाध्याय से ज्यादा प्रवचन। आजकल अभी मैं ऋषिकेश में भी गया था, आज से 27-28 साल पहले जब हमारे कैलाश आश्रम में पूज्य स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज पढ़ाते थे, स्वाध्याय करवाते थे, तो पूरा हाल भरा होता था महात्माओं से, ब्रह्मचारियों से, गृहस्थों से। आज अभी गए तो 2-4 लोग ही बैठे थे। आश्चर्य लगा कि स्वाध्याय का इतना ह्रास हो रहा है। शास्त्र भी यदि हम भागवत आदि पढ़ना भी चाहते हैं तो जीविका के लिए, जीवन के लिए नहीं,
बड़ी पीड़ा है ये, जीवन के लिए हो जीविका के लिए ना हो। परंपरागत स्वाध्याय इसका हो गुरु परंपरा से, तो स्वाध्याय में बहुत प्रमाद हो रहा है और यही कारण है अशांति का संचार हो रहा है। हमारे श्री भृगु जी महाराज का कहते हैं स्वाध्याय ही शांति ही उत्तम। अगर स्वाध्याय करोगे तो आपके जीवन में उत्तम शांति की प्राप्ति होगी। सुनने के साथ साथ हमारे सुभाष जी सुनते तो खूब हैं, महाराज जी की कृपा है इन पर, अभी खूब सुनते हैं। महाराज जी को हम देखते उठते बैठते, अभी ऋषिकेश में हम देख रहे थे। सुनने के साथ साथ स्वाध्याय भी हो, कोई भी ग्रंथ का, महर्षि के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से ही शांति का संचार होगा और दानेन भोगम। जब आप खूब दान दोगे ना, वो हमारे एक महात्मा कहते थे, एक महात्मा को दूध, गाय का दूध भी महाराज पी ले तो बीमार पड़ जाते थे, दूध बिल्कुल हजम ना हो। और अपने राम को तो 2 लीटर भी दूध पिला दो तो हजम हो जाएगा। हमने ब्रज में कथा की, उन लोगों ने पूछा कि महाराज क्या लोगे गांव में, हमने कहा तुलसी दल। और मेरा मन था कि ठाकुर जी के प्रेमी ब्रजवासियों को सुनाया जाए गांव में, बिल्कुल एकदम गांव। तो कथा करके वृंदावन आ जाते थे, कथा करके यहीं आ जाते थे, 1-1.5 घंटा लगता था। तो बोले महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, तो हमने कहा अच्छा गाय का दूध पिला दिया करो। तो पहले दिन तो 2 गिलास लाए थे तो पिला दिया, उनको लगा ज्यादा होता तो महाराज जी ले लेते। तो खौला कर तीसरे दिन 3 गिलास पिलाया, अपने राम वो भी पी गए, चौथे दिन 4 गिलास पिलाया और रोज पिलाते रहे महाराज, अपने राम पीते रहे, 6 गिलास तक पीकर आए और कहीं कुछ तकलीफ नहीं हुई। वो तो अब संयम की वजह से लेता नहीं हूं, नहीं तो 100 ग्राम घी भी हम हजम कर जाते ऐसे डाल करके, लेते नहीं है दूध भी संयम से लेते हैं। तो महात्मा को दूध हजम नहीं होता था, दूसरे महात्मा कहते थे क्या हजम होगा, कभी दूध का दान दिया होता तो दूध हजम होता, इसने कभी दूध का दान तो दिया नहीं तो क्या हजम होगा। अभिप्राय क्या, जो दान देते हैं वो हमको दान में मिलता है, भोग मिलता है उससे, दान देंगे तो निश्चित रूप से भोग मिलेगा। तो हमने तो खूब गाय का दान किया है भी, इसलिए खूब दूध मिलता भी है और हजम भी हो जाता है। तो हमारा दान से जो मिलता है ना, दान का फल है भोगः इत्याहु और तपसा स्वर्गम आपनुयात। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग करेगा तो निश्चित रूप से उसको तप करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। दानम तो द्विविधम प्राहु पारमार्थिका इहै वच। दान भी 2 प्रकार के हैं, दान 2 प्रकार के कौन है, एक लोक महाराज परलोक को देने वाला और दूसरा इहलोक को देने वाला। जो आप महाराज दान दे करके उससे कुछ चाहो मत, हमको बहुत अच्छी बात लगी। हम तो जहां से जो चीज मिलती है, वैसे तो नियम यह है कि जिस चीज का दान दे दिया जाए फिर वो उपयोग में अपने नहीं लाना चाहिए। यहां एक माता जी ने वृंदावन में ब्रज में ही एक ब्राह्मण को मोटरसाइकिल दी, उनका कहना था कि महाराज जी हमने जमीन भी दी है ब्राह्मण को, हमारे श्री डोंगरे जी महाराज तो ब्राह्मणों को मकान बना कर देते थे, पहले भेज देते थे और ब्राह्मणों को मकान बनवा करके पूरा घर सजा करके देते थे। एक सज्जन हमको मिले जिनके माध्यम से वो करवाते थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी कृपा से हमने भूदान भी कर लिया, स्वर्णदान भी कर लिया, गोदान भी कर लिया, अब हमको वाहन दान करने का मन है। तो हमने एक ब्राह्मण को बता दिया इनको वाहन दे दो, जरूरत है।
उन्होंने तुरंत कहा कि तुम जाकर के मान खरीद लाओ। वो ब्राह्मण खरीद लाया। एक दिन उनको कथा में आना था तो उन्होंने कहा कि महाराज जी गर्मी बहुत है, कुछ साधन मिल नहीं रहा है, तो आज नहीं शायद कथा में आ पाऊं। तो हमने कहा भेज देता हूं पंडित जी को जिन्होंने मोटरसाइकिल आपको दी है, जिनको ले आएंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी जो मोटरसाइकिल मैंने ब्राह्मण को दान में दिया है वो मोटरसाइकिल पर मैं नहीं बैठ सकती हूं। ये दान देकर फिर उसका उपयोग करना, उपभोग करना, ये कौन सा दान है भाई? आजकल लोग कमरे दे देते हैं। महाराज वृंदावन में कमरे का दान किया है, फिर अपने रिश्तेदार से कि हमारा कमरा है वहां है वृंदावन में, चले जाना। हम लेटर लिख देते हमारा कमरा है। अरे बाबा तुम्हारा कमरा कहां से हो गया? आज दुनिया में अशांति पता क्यों हो रही है? जैसे कन्यादान शब्द है, अगर कन्या का दान करने के बाद फिर कन्या के घर वालों के यहां जहां दान दिया है उस पर यदि बेटी पर अधिकार रखते हैं तो कलह होगा ही होगा। जो दान दे दी गई वस्तु अब उस पर हमारा अधिकार नहीं है और उसको कहना भी नहीं है कि हमने दान दिया है किसी को। इसलिए शास्त्र में यह नियम है इस हाथ से दान दिया जाए तो इस हाथ को पता न चले। महाराज हमको अभी ऐसा नहीं कि समाज में अभाव है, हमको तो हर ढंग के मिलते हैं लोग। कई लोग हमारे सामने व्यासपीठ के सामने आते हैं और महाराज वो गुलाबी वाला नोट निकालेंगे तो सब लोग देखेंगे गुलाबी नोट निकला है, फिर उसको धीरे खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे और सबसे लास्ट में जो 10 रुपया होगा दिखाएंगे 2000 और चढ़ाएंगे 10। लोगों को लगे कि महाराज आपको बताएं ऐसे ऐसे मिलते आपको क्या कहें। हमारे देखते मैं तो रोकता नहीं हूं, देखता सब हूं। कई लोग जब रुपया चढ़ा होता है इसमें माताएं हमारे नंबर वन की हैं, कहेंगी महाराज हमसे पूछेंगे कोई बच्चा ने महाराज फुटकर ले लूं, तो हमने कहा हाँ ले लो भैया, तो 500 का नोट चढ़ाएंगी और 800 ले जाएंगी। दिखाया 500 का बट फुटकर ले ले, मेरे सामने गिनती है। हमने कहा कोई बात नहीं ऐसे ही ले जाना भाई। तो कहने का ही प्राय ये जो चालाकी है ना ये परलोक तो नष्ट करेगी ही करेगी। दान दी हुई वस्तु अपने उपयोग में न लाई जाए। तो दो प्रकार का दान महाराज इन्होंने बताया और कहा कि ये दो प्रकार का दान, ये लोक और परलोक को सुधारने वाला, जो सद्पुरुषों को दान दिया जाता है, ध्यान रखना महद पुरुषों को, हमारे जो ब्राह्मण वेद पढ़ते पढ़ाते हैं, यज्ञ करते कराते हैं, संध्या वंदन करते हैं, ऐसे सद्पुरुषों को जो दान दिया जाता है वो परलोक संवारने वाला है, उसकी महाराज महिमा बहुत है। और जो सामान्य पुरुषों को दान दिया जाता है तो हाँ इस लोकों को महाराज थोड़ा भले भले आपको लाभ मिल जाए। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं किम कस्य धर्माचरणम किम वा धर्मस्य लक्षणम धर्म कतिविधो वापी तद भवान वक्तुमर्हति। हे गुरुदेव किम कस्य धर्माचरणम, ये धर्म का आचरण कैसा करना चाहिए और धर्म का लक्षण क्या है। किंबा धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है और धर्म कतिविधो वापि, ये धर्म कितने प्रकार का है आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हो बताइए। हमारे श्री भृगु जी महाराज कहते हैं स्वधर्म चरणे युक्ता ये भवन्तु मनीषिणः, जो लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। स्वधनम निधनम श्रेयः पर धर्म भयावह, अपने धर्म में निधन श्रेष्ठ है किंतु दूसरे का धर्म धारण करके तो भय देने वाला ही है। तो अपने धर्म का जो पालन किया जाता है वही स्वर्ग देने वाला है। ये मत समझना कि कोई भी धर्म करेंगे, अब कोई शूद्र ब्राह्मण के धर्म का पालन करने लगे और सोचने लगे कि ब्राह्मण का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है,
उस धर्म के करने से, पालन करने से हमको स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, पतन और हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचारी का धर्म अपना है, गृहस्थ का धर्म अपना है, वानप्रस्थ का धर्म अपना है, सन्यासी का धर्म अपना है। जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जिस धर्म का पालन करते हैं, गृहस्थ यदि उस धर्म का पालन करने लगेगा तो नरक जाएगा। और ब्रह्मचारी जो गृहस्थ का धर्म है वो पालन करने लगे तो वो नरक जाएगा। अपना धर्म ही पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। श्री भृगु जी महाराज ने करुणा करके भरद्वाज के पूछे जाने पर यहां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के धर्मों का वर्णन किया है। ब्रह्मचारी का आज तुम्हारा हृदय गदगद हो गया, ऐसा वर्णन किया है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहे, गुरुचरणों में वेदाध्ययन करे, त्रिकाल संध्या करें, भिक्षा मांगकर लाए, और भिक्षा तो निवेदन करे ही, उसमें जो गुरुदेव दे दें उसको पान कर लें। जहां हृदय भर आया, बोले सर्व निवेदितान तात अंतरात्मा आत्मा, सर्व निवेदित अंतरात्मा, वस्तु का तो समर्पण करे ही गुरुचरणों में, अपनी अंतरात्मा का भी समर्पण कर दे। वस्तु समर्पण करना सरल है। वैसे टीका यदि देखे नीलकंठाचार्य की, आज मैं सोच रहा था उसको लाना चाहिए था देखने के लिए, तो यहां निश्चित रूप से शरीर, और शरीर को तो समर्पित, वस्तु समर्पित करे, अपना शरीर समर्पित करें और अपनी आत्मा समर्पित करें। ऐसे समर्पण से जब ब्रह्मचारी गुरुचरणों में रहता है तो निश्चित रूप से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम धन्य हो जाता है। बाद में गुरु आज्ञा मांग करके और वह गृहस्थ आश्रम में आए। यहां भी हव्य कव्य का अर्थात यज्ञ में जो स्वाहा बोला जाता है, जो खिलाया जाता है, उसका नाम हव्य होता है, और श्राद्ध में जो मर दिया जाता है उसका नाम कव्य होता है। श्राद्ध भी गृहस्थ आश्रम में रहकर करना चाहिए और देव यज्ञ भी करना चाहिए, वेदाध्ययन का भी वर्णन है उसको भी करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में एक महाराज बात बड़ी गजब की कही गई है, ये तो बड़े काम की है हम लोगों के। यदि किसी गृहस्थ के दरवाजे पर बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री महाराज श्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदो में साष्टांग प्रणिपात, मैं निवेदन कर रहा था। अगर किसी गृहस्थ, आप लोग बिल्कुल सुन लीजिएगा इसको और प्रयास करना कि पालन हो, बड़े काम की बात है। श्री भृगु जी महाराज ने कहा कि गृहस्थ के दरवाजे पर यदि कोई अतिथि आता है और हम अतिथि का स्वागत नहीं कर पाते या अतिथि की उपेक्षा कर देते हैं, तो ध्यान रखना वो अपने पाप तुमको देकर चला जाता है और आपके पुण्य लेकर के चला जाता है। अगर हम अतिथि की उपेक्षा करते हैं तो उसके जितने पाप होंगे वो तो छोड़कर हमारे पास चला जाएगा और आपके सारे के सारे पुण्य खींचे खींचे उसके पास चले जाएंगे। ये शास्त्रीय विधा है। इसलिए अतिथि दरवाजे पर आए तो ध्यान रखो जो हो सके वो दो, अगर ना हो सके तो कम से कम मीठी वाणी तो बोलो। बाबा हाथ जोड़कर कह सकते हो कि अभी हम सेवा करने के नहीं लायक है, अभी समय नहीं, कुछ भी कह सकते हो, या थोड़ा अल्प धन दे करके, ये नहीं कि जाने कहां से चले आते हैं जैसे इनके बाप कमा के रख गए हों।
अगर ऐसे वाक्य का प्रयोग किया तो अपने ही पुण्यों को तुमने गमाया। अतिथि का स्वागत करना ये भी महाराज गृहस्थ का अनिवार्य नियम है। इसमें भी किसी का अनादर न हो, अहंकार पूर्वक भी जीवन न व्यतीत किया जाए। वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म का भी वर्णन है, मैं विस्तार से तो नहीं सुनाऊंगा, आप लोग समझ लेना, अपना अपना नंबर मिला लेना। सतम जीवेम शरद, 100 वर्ष की आयु यदि मान करके चलो, वैसे तो इतनी अभी है नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि 80 से 90 के बीच में 95-90% लोग चले जाते हैं, वैसे तो 60 से 70 के बीच में भी कुछ खिसकते हैं, और 80 से 90 के बीच में 90% समझ लो, 100 तक पहुंचना तो अब के समय हमारे आपके बस का तो नहीं है। हाँ, ये जो शुद्ध घी खाए हैं वो तो चाहे भले चल जाए, डालडा वालों का तो मामला गड़बड़ है। तो मानो 100 वर्ष की भी यदि आयु आप मानते हो, अब ये आश्रम व्यवस्था अपने आप तो निर्धारण करोगे नहीं, तो चार व्यवस्था, चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हमारी सुभाष जी गणित कमजोर है, आप संभाल लेना। अब चार आश्रम और 100 साल है, तो एक आश्रम में कितने साल की आयु बीती? अरे बोलो भाई, 25। तो 25 ब्रह्मचर्य और 25 के बाद 50 तक गृहस्थ, और जो 51 चालू हुआ, अब सब में बन लगा है। एक महात्मा कहते थे कि 51 से 60 तक यदि घर से निकल पड़े, वैराग्यशाली हो गए, तो काम बन गया, और नहीं तो उसके बाद जो गिनती है 61, 62, 63, सब में 60 लगा है। अब 60 माने क्या होता है वो आप लोग जान जाना। अभी हमारे महाराज जी के एक शिष्य मिले, मैं तो गदगद हो गया, 60,000 आदमी उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, 60,000 हिंदुजा परिवार के, कई जगह फैक्ट्री बंगलोर में। एक भाई तो आते, वो यहां आते नहीं है। अभी हमारा नया संपन्न के पिताजी महाराज जी के शिष्य थे, दादा अमर की कथा में हमारा संपर्क हुआ, अभी उनके यहां में रुका हुआ था फार्म हाउस में, वो सज्जन बैठे थे। तो एक दिन हमको कहा कि महाराज जी, जब मैं 55 साल का हुआ उस समय हमने निश्चित कर लिया, 60,000 आदमी काम करते थे, और कहा हमने निश्चित कर लिया कि जब मैं 58 का हूंगा उसके बाद 2 साल के अंदर सब निपटा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं महाराज दिन रात्रि में प्लेन में जाके सो जाता था, और दिन में यहां विदेश में जाकर काम यहां किया, बहुत बड़ा काम का विस्तार। और बोले 60 साल का हुआ, अपने बेटे से कहा तुमको फैक्ट्री संभालनी है, बोले बाबा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं संभाल पाऊंगा, तो कहा दूसरी कंपनी को हमने बेच दिया, और एकदम रिटायर्ड होकर के अब मैं भगवान का भजन करता हूं, महर्षि के ग्रंथ पढ़ता हूं, जप करता हूं, और समय बचता है तो बगीचे में सेवा करता हूं। मुझे इतना बढ़िया लगा, नहीं तो महाराज इसका अंत कहां है, हमको लगा कि सचमुच में। और हमने तो फिर आकर स्वामी जी को कहा, अपने डॉक्टर स्वामी जी को, हमने कहा हम भी 60 में रिटायर्ड हो जाएंगे, जब तक महाराज जी की 60 के बाद पाठ पूरा कर देना चाहिए जिसको संभालना हो। अभी मैं वंदन करता हूं पूज्य स्वामी श्री तेजोमय आनंद सरस्वती जी महाराज को, मैं स्वामी जी के माध्यम से उनका दर्शन तो मुझे हुआ था, यहीं अपने आश्रम में आए थे। महाराज 60 की उम्र में बिल्कुल वैराग्य, हमने जब उनका सब सुना आदर्श हृदय भर गया। दोनों तरफ परेशानी है जी, हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं
और दूसरे जो तुम्हारे साथ काम करेंगे वो परेशान होंगे। तो इसलिए वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर जाओ, और वानप्रस्थ की ओर यदि प्रस्थान कर जाते हो तो वानप्रस्थ में रहने की विधा भी है। घर को आप लोग सोचते होगे ये पहले के नियम थे अब के नहीं है इसलिए शांत नहीं हो, आज भी वही नियम है, परमात्मा भी पहले वही थे। कई लोगों को लगता है महाराज कलयुग आ गया है, आज के समय पर बच्चों पर भरोसा नहीं है तो अपने हाथ में दाम रहना चाहिए। अरे बच्चों पर भरोसा ना हो, भगवान पर तो है कि नहीं है? और यदि भगवान पर भरोसा नहीं है तो अपने को आस्तिक कह करके महाराज चल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हम किस बात के आस्तिक हैं? हमको भगवान पर भरोसा नहीं है? हम किस बात का भजन करते हैं भाई कि हम भगवान के भरोसे से भरे नहीं है? हमको वो खाने को नहीं देगा तो कौन देगा? अरे सबको खाने की व्यवस्था भगवान करते हैं। बाद में अगर 75 साल तक जीवित रह जाना, अगर संन्यास लेने लायक रह जाना तो ले लेना, नहीं तो मन से कम संन्यास तो हो ही जाना चाहिए। इन्होंने संन्यास का जो वर्णन किया है अद्भुत है। संन्यास की विधा में इन्होंने कहा, हमारे महाराज जी तो एक ही वाक्य में कह देते हैं, व्यक्ति स्थान और वस्तु को जो अपनी मानता है, व्यक्ति को स्थान को वस्तु को जो अपनी मानता है वो सन्यासी तो नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो, ना अपना कुछ है, ना व्यक्ति अपना कोई है, ना स्थान कोई अपना है, ना अपनी वस्तु है। केवल जहां जैसे ये दीक्षा जो आहार मिल जाए उसको लेकर के महाराज रहे, इस प्रकार से इन्होंने महाराज सुनाया। और अब थोड़ा शिष्टाचार का भी वर्णन किया है। इनके पूछे जाने पर युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, क्योंकि यहां तक की कथा सुनाने के बाद हमारे श्री भरद्वाज जी महात्मा भृगुम परम धर्मात्मा विस्मिता, भृगु जी महाराज के इस वक्तव्य को सुनकर के बड़े विस्मित हुए हमारे श्री भरद्वाज जी, और उनको धर्मात्मा समझ करके नारायण उन्होंने प्रत्यपूजयत उनका विधिवत पूजन किया। गुरु जिससे विद्या मिले उसका पूजन करना चाहिए। गुरु शुश्रूषया विद्या सेवा हो, हमारा जो हमारे पास में हो हम ज्ञान दान उनसे लिए हैं तो सम्मान पूर्वक उनको जो हो सके भेंट में दें। इन्होंने महाराज दिया और उनको वंदन करके पुनः एष ते प्रसवो राजन जगत संप्रकीर्तिता, वहां महाप्राज्ञ वहां से चले आए। और इधर हमारे श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, आचार्य से विधिम तात प्रोच्यमानम त्वया नघ, हे अनघ हे निष्पाप, आपसे मैं प्रश्न करता हूं, आचार्य विषयक जानना चाहता हूं, आचार्य विचार की बात को सुनाइए। श्रोतमिच्छामि धर्मज्ञ सर्वज्ञो यस्मि मे मतः, मेरा मत ऐसा है कि आप सर्वज्ञ हो, और सर्वज्ञ हो तो सब कुछ आप जानते हो, इसलिए आप कृपा करके हमको बता दीजिए कि कैसे आचार्य पूर्वक रहा जाए। देखो भाई ये सब के लिए है, चारों आश्रमों के लिए और वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था सब के लिए ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आचार्य आचार्य हमारा आचार्य है, सूर्य की उपासना करो, और सूर्योदय के समय कभी सो नहीं, उठ जाओ। रोगी हो अलग बात है, अगर स्वस्थ हो तो सूर्योदय के समय उठ जाओ, और सायं प्रातर जपे संध्याम तिष्ठन पूर्वाम तथेतराम, सायं और प्रातः अपना कुछ नियम रखो। अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं तो संध्या करो, गायत्री का जप करो, इससे कल्याण होगा। अगर आप वानप्रस्थ आदि है तो कम से कम अपना कुछ नियम ले लो, अपनी परंपरा के आधार पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगो, शिव महिम्न का पाठ करने लगो, कुछ जप करने लगो, कुछ नियम ले लो।
और कहा कि ध्यान रखना, भोजन करते समय पांच को धोकर भोजन करना चाहिए। पंचाद्रो भोजनम भुंज्यात प्रांग मुखो मौनमास्थितः। पांच कौन कौन से हैं? दो पैर, दो हाथ और एक मुख। ये भोजन करने जाओ तो पहले ये पांचों धो लो और पूरब की ओर मुख करके मौन होकर के भोजन करना चाहिए। ये भोजन के समय गप न मारे। हमारे यहां तो पहले नियम था, अब तो शायद नहीं है, क्योंकि स्वामी जी हमारे अकेले ही रहते हैं भोजनालय में हमेशा। नंदी महाराज पहले हम लोग जब भोजन करते थे, डॉक्टर स्वामी जी भी, हम सब लोग विद्यार्थी, तो 15वें अध्याय का पाठ करते थे। जब तक पत्तल परसी गई और भोजन जब तक परसा गया तो सब विद्यार्थी और हमारे पूज्य संत चरण गुरुचरण 15वें अध्याय का पाठ होता। हमको तो याद महाराज हो गया था 15वां अध्याय। अब तो स्वामी जी अकेले मन मन में कर लेते होंगे, क्योंकि साथ वाला तो कोई रहता नहीं है। तो भोजन आदि परसा जाए तो उस समय भगवान का नाम लो, 15वें अध्याय का पाठ करो, ये सदाचार है। और महाराज थाली में जो आ जाए प्रसाद, उसको भगवत प्रसाद समझ करके उसकी अवहेलना न करे, निंदा न करे, उसका त्याग न करे। हमको तो किसी ने बताया कि बाबा प्रसाद पा रहे थे और किसी ने नमक मांगा ब्रह्मचारी ने, बाबा को पसंद नहीं आया। जो जैसा प्रसाद आ गया ये सदा, और ये केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है बाबा, सबके लिए है, गृहस्थ के लिए भी है, साधु के लिए भी है, ये सदाचार सबके लिए है। और उन्हें कहा भोजन के बाद हाथ धोकर उठे। ये हाथ बिना धोए मुख धोए हुए इधर उधर घूमोगे तो गड़बड़ है। और रात्रि में सोते समय कभी पैर गीले नहीं सोना चाहिए। पैर अगर धोना भी हो तो अच्छे ढंग से पोंछ लो, और पोंछ कर गीले पैर कभी न सो। ये नारद जी महाराज ने आचार्य बताया है, देवर्षि नारद प्राह, ये देवर्षि नारद जी महाराज के बताए हुए हैं। और इन्होंने महाराज एक बात और कही कि सात महाराज सायं प्रातर मनुष्यात, सायंकाल प्रातःकाल महाराज भोजन करने का विधान है। ये बीच में जो बार बार मुख जूठा करते रहते हैं, ये शास्त्रीय विधान नहीं है। आजकल तो डॉक्टर कहते हैं कि घंटे में खाया करो, डॉक्टरों को बलियारी है। हमको तो डॉक्टर ने कम से कम 10 बार कहा होगा कि महाराज जी 1 घंटे बोलने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करो, इस शरीर के साथ अत्याचार मत करो। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि 2 टाइम की कथा हो, क्योंकि 1 टाइम की कथा में हमको भारी पड़ता है। अपने राम ने आज तक व्यासपीठ पर पानी नहीं पिया है। महाराज जी की कृपा से जितने नियम होते हैं, जब तक शरीर चल रहा है, छौर कर्म नहीं करवाता हूँ, नाखून नहीं काटता हूँ, प्रयास करता हूँ भूमि सहन हो जितना हो सकता है। और हम ये समझ करके सुनाते हैं कि हमारे आचार्य चरण सुन रहे हैं, हमारे गुरुजन सुन रहे हैं, तो हमको नियम का पालन करना चाहिए। और सचमुच में आप लोगों के बीच में हमारे इष्ट आकर के बैठकर सुनते हैं, हम तो कम से कम अपने नियम का पालन करें। तो कहा ये नियम रखना चाहिए अपने जीवन में कि, और दूसरी बात इन्होंने एक और भी कही, कहा कि ब्राह्मण लोग जब भोजन कर लें या अपने गुरुजन जो भोजन कर लें, वो भोजन जो होता है साक्षात अमृत के समान होता है और मां के दुग्ध के समान होता है। दोनों का उपयोग किया, अमृत अमृतम ब्राह्मणोच्छिष्टम जनन्या हृदयम कृतम, अमृत के समान है वैष्णव क्या महाप्रसाद। ये जो महाप्रसाद है अमृत के समान है और मां के हृदय दुग्ध के समान है, ये बिल्कुल हम सत्य सत्य कह रहे हैं। देखो भाई कुछ और नियम, कई लोगों का ऐसा नियम होता है अगर हाथ में तिनका आ गया तो तोड़ तोड़ फेंकते हैं। ये हाथ से तिनके नहीं तोड़ने चाहिए,
ये कई लोग अपने आप देखे होंगे नाखून अपने दांत से काटते रहते हैं, ये अपराध है। कभी दांत से हम ये नाखून दांत में न जाएं। और कई लोग महाराज बैठ जाते हैं खेत में गांव में तो मिट्टी के ढेले फोड़ते रहते हैं, बोले ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कभी भी सूर्य की ओर मुख करके लघुशंका नहीं करना चाहिए, अपराध है। देख लो पहले सूर्योदय कहीं पूरब की ओर या पश्चिम की ओर हमारा मुख तो नहीं है, अधिकतर प्रयास करना चाहिए दक्षिण की ओर करो बैठकर। ये वास्तु विज्ञान इसी के आधार पर निर्धारित है। ये सीट भी लगाना हो तो देख लो, घरों में तो आजकल उसी में सब करना पड़ता है, तो वो भी देख लो दिशा का कि सूर्य की ओर उधर मुख नहीं होना चाहिए। अगर उधर सूर्य का सीट का मुख होगा तो जो भी बैठेगा सूर्य की तरफ मुख करके बैठेगा। और वो आचार्य बिल्कुल विहीन है, गुरुभ्या आसनम देयम कर्तव्यम चाभिवादनम। अगर आपके यहां अपने गुरुजन आ जाए तो उनको आसन देखकर अभिवादन करो। भैया अपने गुरुजनों को वंदन करने से, यहां तो तीन है आयुषा यशसा श्रिया अभिवादनशीलस्य, वहां तो चार है नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। और इन्होंने एक बात और भी बहुत बढ़िया कही है, सदगृहस्थ को भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं सदाचार का वर्णन करना से संकोच छोड़कर बोल रहा हूं, आजकल तो ऐसे वस्त्र पहनने लगी हमारी माताएं बहने कि आप उनको रोक तो सकते नहीं हो कि ऐसे वस्त्र मत पहनो कि जिसमें अंग प्रत्यंग दिखे। तो ऐसे वस्त्र वाली यदि स्त्री कोई दिख जाए तो अपनी आंख बंद कर लो, यदि आंख दूसरी तरफ कर लो। ऐसे स्त्री का दर्शन करने से पाप लगता है, ये ध्यान रखो। तीर्थानाम हृदयम तीर्थम सुचीनाम हृदयम सुची। बाबा तीर्थों का तीर्थ है हमारा हृदय, और पवित्रों का भी पवित्र स्थान है हमारा हृदय। इसलिए हमारे महर्षि का वाक्य रक्षत रक्षत, रक्षा करो रक्षा करो। किसकी रक्षा करे, बोले हृदयम, हृदय की। क्योंकि एक कोशा नाम अपि कोशम हृदयम, ये कोशों का कोश है हमारा हृदय, जिसके सुरक्षित रहने पर सब कुछ सुरक्षित है, जिसके नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हृदय की सुरक्षा करनी चाहिए कि कहीं हमारा हृदय खराब ना हो जाए। देवागारे गवाम मध्य ब्राह्मणा नाम क्रियापथे स्वाध्याय भोजने चैव दक्षिणम पाणि मुद्धरी। देवालय में गायों की सेवा करने में, ब्राह्मणों की सेवा करने में, स्वाध्याय में और महाराज भोजन के समय ये दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। ये बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ। बायां हाथ को दूर अमनिया रखो। हमको महाराज अभी पिछले वर्ष हमारे श्री दत्त गुरु शरणान जी महाराज, इस समय तो सारे विश्व में उनके जैसा कोई गो सेवक नहीं है। 1,25,000 गाय हैं इस समय उनके पास, 28,000 तो बछड़े हैं, और ईश्वर की कृपा से सब दर्शन करके आए। वहां उन्होंने आहूत किया था तो उनके आम सब भोजन कर रहे थे। पूज्य गुरु शरणान जी महाराज, हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ये हमारे गोलोक धाम वाले, मैं भी था और भी दो चार महात्मा थे, प्रसाद पा रहे थे। और गुरु शरणान जी महाराज भोजन करते करते हमको मधुर डांट लगाई। डांट ये लगाई कि तुरंत बोले कि ये हाथ प्रयुक्त नहीं करते। मैंने सोचा मैंने तो प्रयुक्त किया ही नहीं है, फिर महाराज जी क्यों डांट लगा रहे हैं। वो
बड़े प्रेम से डांटा और कहा कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को सदाचार का ध्यान रखना चाहिए और जिनके शिष्य बहुत हों उनको भी आचार विचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो समाज में प्रतिष्ठित हों उनको ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी मीठी फटकार लगाई, अपने राम तो हाथ जोड़ लिए, तो सफाई भी नहीं दिए क्योंकि हमारे महाराज जी को सफाई पसंद नहीं थी। चुप रहे अपने राम चुप, ओ महाराज जी अपना सुनाते रहे। और बाद में मैं चला आया, फिर महाराज जी बड़े खुश हुए और एकांत में मिले तो कहा, वो तुमको निमित्त बना करके हमने अमुक अमुक को शिक्षा दी है। तो कहा कि हमको पता था कि तुमको हम कुछ कहेंगे तो तुमको बुरा नहीं लगेगा, और हमको शिक्षा देनी थी उन लोगों को। तीन लोगों का नाम लिया उन्होंने, अब वो छुपाए तो हम क्यों नाम लें। और कहा कि तुम हाथ जोड़े रहे, तुम्हारे चेहरे में शिकन नहीं आई। महाराज जी ने कहा तो क्यों नहीं आई? हमने हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा महाराज जी हमको गलती पता ही नहीं चली, तो हम सोचे कि शायद घर में गलती होगी तभी आप डांट रहे हो। तो महाराज हमारा तो वो पंजाबी लोगों को जब कभी वो सुनाओ ना, जोक सुनाओ, तो उनको थोड़ी देर के बाद क्लिक होता है, वो तुरंत नहीं हंसते, थोड़ी देर बाद में हंसते हैं क्योंकि वो जोक समझ में आता ही नहीं है। वो हमारा भी खेल कुछ ऐसे ही है। एक महात्मा ने वो बंबई में हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज उसके गवाह हैं, तो पता नहीं महाराज जी की संन्यास जयंती में पहली बार शामिल हुआ था और मैं बोल रहा था, हमको 5 मिनट समय दिए गए थे, 5 मिनट के पहले वो संचालक थे, खट खट कर दिया। और फिर बाद में हमसे बोले कि जब उनको, मैंने तो बंद कर दिया, पहली बार गया था प्रेमपुरी, तो वो महात्मा तुरंत बोल पड़े, बोले शायद ये श्रवणानंद भूल गए हैं, ये सभा संन्यास जयंती की है, शोक समारोह नहीं है। तो मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि मैं ऐसी क्या बात भूल गया कि, तो जब मैं गाड़ी में बैठ करके विपुल जा रहा था तो पूज्य बाबा जी ने हमसे पूछ दिया, कहा कि वो महात्मा तुमसे कुछ नाराज हैं क्या? तुमने कहा क्यों? बोले उन्होंने ऐसा किया। तब मुझे क्लिक हुआ कि हाँ किया उन्होंने। तो हमने सोचा क्या मामला है, फिर वो महापुरुष आए, बचपना था, आज होता तो कभी नहीं करते, वो महापुरुष विपुल में आए शाम को और उन्होंने कहा कि आज तुम बहुत अच्छा बोले। तो अपने नाम ने कहा पानी फेरने में आपने भी कमी नहीं रखी। अब इतना कहना हुआ, फिर वो बरस पड़े महाराज, खूब नाराज हुए। फिर हमारे स्वामी जी महाराज ने उनको संभाला और उन्होंने कहा कि वो तो बच्चा है, उसने ऐसा किया, उनका वात्सल्य स्नेह, आपको ऐसे नहीं गुस्सा होना चाहिए। फिर प्रेम से विदा किया गया उनको। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि हमको क्लिक बाद में होता है। तो महाराज जी ने जब पूछा तो मैंने यही कहा, हमने कहा महाराज जी उस समय हमको समझ में नहीं आया, और हमको ये निश्चित लगता है कि गुरुजन यदि कुछ कह रहे हैं तो गलती हमारी ही है, हमको समझ में आए या ना आए गलती हमारी कहीं है, इसलिए मैं सफाई नहीं देना कि लगता कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैंने जानबूझ करके अमुक अमुक को, तो महाराज ये शास्त्रीय विधान है, सदाचार है ये, कि कभी भी महाराज कहाँ कहाँ इन्होंने बता दिया कि एक तो देवागारे, देवताओं के मंदिर में ठाकुर जी की आज सेवा करनी हो इस हाथ को दूर रखो, आप दाहिने हाथ से काम करो, और गायों की सेवा में गवाम ब्राह्मणानाम क्रियापथे, ब्राह्मणों की सेवा में स्वाध्याय, स्वाध्याय करना हो तो अधिकतर इसी हाथ से पन्ने पलटे जाएं। तो कहा स्वाध्याय में यह निश्चित रूप से दक्षिण पाणी का उपयोग करना चाहिए। सायं प्रातश्च विप्राणाम पूजनम च यथा विधि। देखो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। यहां तो महाराज लिखा है कि जब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हों तो भोजन करने के बाद पूछें कि तृप्ति हो गई, तृप्ति हो गई और चाहिए,
ऐसे नहीं कि बंद कर दिया तो कुछ नहीं देना है, आदर्श है। वो हमारे एक महात्मा है जनक अपने अयोध्या के, मैंने उनकी यहां कथा की तो बड़े प्रेमी हैं वैष्णव, यहां भी आकर पूरी कथा बैठ के सुन के गए। वो हमारे स्नेह माता जी ने आश्रम बनाया है वहां, तो वहां अयोध्या में रहते हैं, बहुत दिव्य संत हैं, सरल। एक दिन मेरे से बोले कि स्वामी जी वो जब भंडारा करते हैं, यही थे तब पूछा, बोले जब भंडारा करते हैं तो लड्डू बार बार चलाते हैं, पूरी बार बार चलाते हैं, ये दक्षिणा बार बार क्यों नहीं चलाते हैं? बड़े प्रेमी बोले दक्षिणा बार बार क्यों नहीं चलाते हैं? बार बार दक्षिणा भी चलानी, जब तक कोई मना ना कर दे तब तक दक्षिणा देते ही रहो। जैसे लड्डू के लिए मना कर देते हो, अब नहीं चाहिए, महापूरण महापूरण, वो बड़े विनोदी। तो हमने कहा महाराज जी कोई दक्षिणा के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि लाभ धन के तुम्हारे उसमें तो पेट ही में रखना है, और यहां तो जेब में रखना है, इस जेब में नहीं तो फिर इस जेब में आ जाएगा। तो बोले महापूरण के लिए दक्षिणा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। तो बार उससे पूछना चाहिए महापुरुष से कि आप तृप्त हो गए और चाहिए। और इन्होंने बात एक बात और भी बड़े काम की कही है, वो बात यह है कि कभी भी अपने से बड़ों के लिए त्वंकारम नाम धेयम च, ये तू करके बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, आप करके बोलो। और बड़ों का नाम भी नाम धेयम च, ज्येष्ठा नाम परिव्रजय महाराज परिवर्जय, अपने से जो ज्येष्ठ लोग हैं उनको त्वंकार करके कभी मत बोलो, उनका नाम भी मत लो। उनको तो महाराज कभी किसी कारण से नाम लेना पड़ता तो बहुत संकोच लगता है, ये तो अपने मुख से जल्दी नाम निकलता नहीं है। किंतु कई बार अब कई महात्मा हों तो अब हमको पता है, हमारे स्वामी जी डॉक्टर थे, किंतु अब डॉक्टरी का कोई संबोधन दे तो उनको खुश प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि उसको उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। तो अब हमको कई बार संकोच होता है कि स्वामी जी का नाम लेना हमसे होता नहीं ठीक से, तो हमको फिर वो पद का ही नाम लेकर, अब तो दूसरा पद तो नहीं है, अब नहीं तो दूसरा पद का ले ले तो कुछ दिखता नहीं उपनाम। ऐसे गुरुजनों को कई बड़ा संकोच होता है, और ये शास्त्रीय विधा है कि निश्चित रूप से ये व्यवहार होना चाहिए। बाद में कहा कि भैया यदि कोई पाप हो जाए तो उस पाप का प्रदर्शन कर देना चाहिए, कह देना चाहिए। हम लोग अपने सद्गुणों को तो छापते हैं, दुर्गुणों को छुपाते हैं, अगर कथन कर दोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उसका लाभ मिलेगा, वो नष्ट होंगे। इस प्रकार से महाराज इन्होंने सदाचार की चर्चा किए हैं, और सदाचार के चर्चा के बाद इन्होंने अध्यात्म ज्ञान का निरूपण किया है। अध्यात्मम नाम यदिदम पुरुषय महाराज पुरुषस्य है चिंतित, आप कृपा करके कि अध्यात्म किसका नाम है जिसका पुरुष लोग चिंतन करके, यद अध्यात्मम यथा चैत तन्मे भूहि पितामह, अध्यात्म किसका नाम है आप हमको बताइए। और ये सृष्टि कुतः सृष्टमिदं विश्वम ब्रह्मन स्थावर जंगमम प्रलय कथम व्यातीति, कैसे महाराज ये प्रकट होती है, कैसे रहती है, और कैसे सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है, आप कृपा करके हमको बताओ। हमारे श्री विश्व जी महाराज कहते हैं अध्यात्म इति माम पार्थ, हे पार्थ हे कुंती नंदन, अध्यात्म ज्ञान के बारे में जो आपने पूछा है, अध्यात्मम अध्यात्म इति माम पार्थ यतेदत तनु प्रक्षसी, आपके द्वारा ये पूछा गया है तद व्याख्यस्य मरा तद व्याख्यास्यामि इति तात श्रेयस्कर तमम सुखम, ये अध्यात्म जो श्रेयस्कर है और सुख देने वाला है, यद ज्ञात्वा पुरुषो लोके प्रीतिम सौख्यम च विन्दति, जिसको प्राप्त करके माने वो प्रीति को प्राप्त अनंत आनंद को प्राप्त करता है। और महाराज कैसा होना चाहिए, बोले ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है,
और परमात्मा ही अपने में लीन कर लेते हैं। प्रसार्यम च यथांगानि कूर्म संघर्ते पुनः, जैसे कोई कमठ अपने अंग को निकालता है चलने के लिए और बाद में चाहता तो अपने अंदर समेट लेता है, ऐसे भगवान ने ये पंचभूत बनाए और बाद में अपने में ही लीन कर लेते हैं। महाराज इन्होंने बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है, पहले ये इसका प्रतिपादन पहले भी हुआ है, अभी पुनः उसको किया इन्होंने। बार बार उसी विषय को शास्त्रों में इसलिए प्रतिपादित करते हैं कि कोई अगर पहले प्रतिपादन में बात न खुली हो तो दूसरे प्रतिपादन में खुल जाए। अच्छा, ये सत्संग की विशेषता बहुत, इसीलिए बहुत अच्छा है सत्संग का क्रम। सत्संग का क्रम क्या है कि जैसे हम लोग सत्संग करते हैं तो बार बार उसी बात को कहा जाता है, जैसे पुराणों में बार बार बात कही जाती है, तो वो हमारा मनन भी हो जाता है, निधिध्यासन भी हो जाता है। नहीं तो आप ये पुराण आदि की कथा में श्रवण मनन निधिध्यासन होता रहता है, बार बार चर्चा, बार बार उसकी चर्चा की जाती तो मनन हो जाता है और बाद में बार बार करने से वही मति में बैठ जाती है बात, तो निधिध्यासन हो जाता है। तो श्रवण मनन निध्यासन निधिध्यासन ये तीनों शास्त्र श्रवण में हो जाते हैं, शास्त्र श्रवण में तीनों हो जाते हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। तो इन्होंने पूर्व में जो बताया था कि पंचभूत में क्या क्या हमारे ये रूप नेत्र और परिपाक, ये तीन तेज के गुण हैं, ऐसे ही रस जिह्वा स्वेद हमारा गीलापन, ये तीन जल के गुण हैं, गंध घ्राणेन्द्री और शरीर, ये तीन भूमि के गुण हैं, ये हमारा छठवां ये मन है। एक बात बढ़िया उन्होंने कही कि पंचभूतानि पंचैव षष्ठम च मन उच्यते। अधिकतर लोगों को लगता है कि मन जो है ये कोई अलग चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं है, जिस मटेरियल से माया है उसी मटेरियल से मन है, ये दूसरा कुछ नहीं है। तो मन इसी ढंग से महाराज ये बना हुआ है, इंद्रियाणि मनश्चैव विज्ञानस्य भारत, कहा कि जो इंद्रियां और मन को जो जानने वाली बुद्धि है वो महाराज उसके सहित ये क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र को जाने जानने वाली जो बात है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है और वही जीव है। और उस परब्रह्म परमात्मा का अंश होने के कारण यदि उसका बोध हो जाता है तो निश्चित रूप से वही होने के कारण उसको बोध हो जाता है। तो कहा इसी प्रकार से अधिष्ठान का बोध हो जाता है और इस विद्या की जानकारी का नाम ही अध्यात्म है। हम लोग समझते हैं अध्यात्म कोई सातवें आसमान की चीज होगी, अधि आत्मनि अपने अंदर की बात है जी, इसमें कोई बाहर की बात नहीं है, अपने अंदर जो खजाना छुपा हुआ है उसको विवेक करके अलग करके कैसे प्रकट किया जाए इसका नाम अध्यात्म है। और बोधवान यदि जीवन में नारायण हम बन जाएं, सारे शास्त्रों का उद्देश्य एक ही है, चाहे महाभारत हो चाहे भागवत हो चाहे गीता हो चाहे उपनिषद हो, ये सब कृष्णद्वैपायन की रचना है। और मैं एक निवेदन कर दूं, अध्यात्म विद्या भगवान की विद्या है, भगवदी विद्या है, और इसको शब्दों का ही फेर कर लो, चाहे ब्रह्मात्मिक के बोध कर लो चाहे भगवत प्राप्ति कह लो, तो सबका निरूपण उसी के लिए है। इस प्रकार से नारायण शास्त्रों का ये जो सार सर्वस्य है, ये मोक्ष धर्म में इसका प्रतिपादन किया गया है। आज मानस तो ऐसा था कि ध्यान योग और जप की जो प्रशंसा है, जप की क्या महिमा है, आप लोग, मैं तो नहीं सुना पाया इस उपक्रम में, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको जप की महिमा का पता चल जाएगा। 194 अध्याय महाराज जी 95 अध्याय में ये जप का यहां से विषय चालू हुआ है और लगभग आपको 5-6 अध्याय में पढ़ने को ये मिलेगा। इसलिए जप पर खूब ध्यान देना चाहिए, जप से साक्षात भगवत प्राप्ति है,
इसी से अंतकरण की पवित्रता और इसी से बोध, जप के फल को, इसका महाराज अनंत गुना फल है। अगर जब भगवान नाम का जप या गायत्री मंत्र का जप यदि किया जाता है, जबकि कुछ विधियां भी बताई, गायत्री मंत्र जपने में तो बहुत विधि होनी चाहिए, जैसे कुशासन में बैठें, कुशा और कुश की मेखला पहने, यज्ञोपवीत धारण करें, संध्या वंदन करें, ये नियम है, और हाथ में भी कुश रखें जब करते समय, एक हाथ में, हमको हमारे पूज्य राजवंश गुरु जी महाराज, उनके पास यत्किंचित कुछ समय के लिए समास पढ़ने के लिए गया था, मैंने उनसे और कुछ तो नहीं पढ़ा, केवल दोपहर में गर्मियों के समय समास पढ़ा, तो उन्होंने कहा संध्या वंदन करते हो कि नहीं, तो उन्होंने ही बना करके फिर कई वर्ष तक उनके साथ श्रावणी भी करते थे गुरु जी के साथ, और यज्ञोपवीत जब तक पहना, जब तक संन्यास नहीं हुआ तब तक यज्ञोपवीत चोटी दोनों रहे, संध्या वंदन की प्रणाली रही। तो नाम जप की महिमा, जप जपास सिद्धि, जपास सिद्धि, जब से सिद्धि मिलती है, इसलिए हो सके तो खूब जप का वर्णन करना महाराज करना चाहिए। जप, अब जप की क्या विधा है और जप की क्या महिमा है, ध्यान की क्या महिमा है, इसकी चर्चा हम अगले साल करेंगे, और उसको जानने के लिए आप लोग अगले साल की प्रतीक्षा करना। जो हमारे श्री सुभाष जी से परिचित हैं वो सुभाष जी से पूछ लेना कि तारीख कौन निश्चित हुई है, और जो आश्रम से परिचित हैं वो हमारे विद्याधर से पूछ लेना, जैसे निश्चित हो जाएगी मैं ऑफिस में नोट करा दूंगा, और जो जो इसका रस लेना चाहते हों बिना बताए तो आना नहीं, नहीं तो यहाँ स्थान मिलेगा नहीं, क्योंकि तो व्यवस्था उतने लोगों की ही कर पाएंगे, तो महाराषि का महाराज है पुरुषार्थ की, सबकी व्यवस्था कर लेते हैं, कह देते आने दो सबको, मेरे से कहते तुम चिंता मत करो जो आएगा सबकी व्यवस्था कर दूंगा, सबको आने दो, तो आप व्यवस्था के आधार पर ये कर लीजिएगा। महाराषि का अद्भुत स्नेह, अद्भुत कृपा, मैं अपनी योग्यता जानता हूं, अपना सामर्थ्य जानता हूं, और अपनी बुद्धि की कितनी पकड़ है वो भी जानता हूं, इसलिए एक बात मैं निवेदन कर दूं एकदम निसंकोच, हमारी योग्यता एक छोटे से ग्रंथ की प्रवचन करने की भी नहीं है, भागवत कौन कहे, ये महाभारत कौन कहे, एक लघु ग्रंथ भी, अल्प कलेवर का भी ग्रंथ हमारे बस का नहीं है, ना मैं उतना पठित हूं और ना ही हमारी वैसी बुद्धि है, केवल ये गुरुजनों की हेतु की कृपा है, महर्षि का अद्भुत अनुग्रह है, उन्हीं की गोद में बैठ करके उन्हीं को तोतली भाषा में सुनाता रहता हूं, और ये हमारे गुरुजन भी बहुत उत्साह के साथ सुनते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। जब अपने गुरुजनों को मैं प्रसन्न देखता हूं तो हमारा हृदय भर आता है और मुझे लगता है कि सब कुछ मिल गया। अगर वह आह्लादित तो हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस दिशा पर मैं चल रहा हूं वो दिशा सही है, क्योंकि अगर दिशा गलत हो तो ये गुरुजन जरूर रोक देंगे कि ये दिशा गलत है, जो विचार की शैली है, जो जो भी अब आप व्यक्ति करते हैं हमारे रमण करने के विषय होते हैं। कई बार वैराग्य के प्रभाव में, भले वैराग्य नहीं है किंतु अंतःकरण से जीता वही हूं, कई बार ऐसी बात भी बोल जाता हूं कि बाद में लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए, किंतु हमारे गुरुजन तब भी आह्लादित होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये गुरुजनों का अनुग्रह है, बस हम बारंबार चरणों में वंदन करके यही प्रार्थना करते हैं
आज मुझे बहुत अच्छा लगा, रख तो नहीं पाया किंतु मैं रो पड़ा। एक ब्राह्मण गायत्री का जप कर रहा है और साक्षात गायत्री भगवती प्रकट हो गई और गायत्री भगवती प्रकट होकर सविता की आराधना करने वाले ब्राह्मण के पास सावित्री देवी प्रकट है और कहा वर मांग लो। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि आप यदि हमको वर देना चाहती तो यही वर दें कि हमको नाम जप में और प्रीति बढ़ जाए। हम गदगद हो गए, बहुत प्रयास किया। स्वर्ग मांग सकते थे, संपत्ति मांग सकते थे, वैभव मांग सकते थे, यश प्रतिष्ठा मांग सकते थे। सावित्री मां ने बहुत कहा कि मांगो, इसी में कथा है, आज मैं रख नहीं पाया। बहुत प्रयास करने के बाद भी उस ब्राह्मण ने मांगा नहीं और कहां तक कहें, 100 साल जप करने के बाद भी इक्ष्वाकु नाम के राजा गए तो कहा तुम वर मांग लो। तो उन्होंने कहा यदि वर देना चाहते हो तो तुमने जो 100 वर्ष साधना की उस साधना का फल दे दो। वो भी देने के लिए तैयार हो गए। कहा फल जो होता हो वो तुम ले जाओ, किंतु हमको तो जप कर भगवत नाम लेने का रस मिलता रहे, ये हमको आशीर्वाद दे दो। तो हम भी अपने गुरुजनों के चरणों में, आप सबके चरणों में वंदन करके यही मांगते हैं, इस कथा आदि कहने का जो फल होता हो मुझे कुछ पता नहीं है और अभी तक मैंने किसी फल के लिए कथा की भी नहीं है, न कभी दक्षिणा के लिए, न कभी नाम के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए। तो जो इसका फल होता हो मुझे पता नहीं है, किंतु वो हमको चाहिए भी नहीं। हमको चाहिए यही कि जब तक शरीर रहे भगवत कथा का हमको रस यूं ही बढ़ता रहे और यूं ही मिलता रहे, हमारे कर्म में हमारी रुचि बढ़ जाए। मैं और क्या कहूँ, आप सबको वंदन ही करता हूँ। ये मित्तल परिवार को, श्री सुभाष जी को भूरी भूरी धन्यवाद भी है कि उनके माध्यम से हमको महाभारत के प्रसंगों का जीने का अवसर मिला। अगर वह जजमान बनकर के नहीं बैठते तो हम इतने उत्साह से और लगन के साथ इसका स्वाध्याय नहीं करता। तो इनको धन्यवाद है। आप सब जितने भी यहां आए हैं हमारे महाराजश्री के हैं, आश्रम महाराजश्री का है, आप उनके हैं। जैसी जहां जो व्यवस्था मिली, जैसे रहे, आप अपना ही समझ करके इसको आप यहां रहे हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार से कष्टानुभूति हुई हो मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से, कई बार प्रवाह में एक हमारे ब्रजवासी को ही बड़ा कष्ट हो गया, हमने कह दिया कि ठाकुर जी ने गीता में गाली दी है तो हम ही को गाली देने लगे। तो मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने का होता नहीं है। मैं प्रयास करता हूं कि वाणी से ऐसा व्यवहार न हो किसी का हृदय दुखे, चाहे वह सगुणोपासक हो चाहे वह निर्गुणोपासक हो। किंतु कई बार पूर्व संस्कारों के आधार पर कई बातें ऐसी निकल जाती हैं जो किसी को कष्ट हुई हो, तो उसका भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और ये समझना कि हमारे प्यारे के शायद सच्चे स्वरूप को ये जानता नहीं, इसलिए प्रतिपादन नहीं कर पाया। जितना जानता है उतना ही प्रतिपादन कर पाया, जितनी इसकी समझ है उतनी ही बोल पाया। शास्त्रों में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, इसलिए आप लोग ऐसा ही अनुग्रह बनाकर रखें, यही आप सबके चरणों में हमारी प्रार्थना है। अभी महाराजश्री के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, वह भी हम सबको आशीर्वचन देंगे। महाराज जी इतने प्रेम से सुनते हैं, कई बार हमारी दृष्टि उधर जाती है तो मैं गदगद हो जाता हूँ, ऐसे प्यार से निहारते हैं। उन प्यार भरी आंखों का रस स्वादन जब मैं कभी करने लगता हूँ तो गड़बड़ा भी जाता हूँ। ऐसे पुत्र के समान महाराज जी भी इस बालक को निहारते हैं, वैसे करुणा भी करते हैं व्यवहार में भी। मैं अपनी उद्यन्यता के साथ कई बार
ऐसा व्यवहार कर जाता हूं कि तब भी महाराज जी मुस्करा देते हैं और वही प्रेम वही करुणा देते रहते हैं, हमारे महर्षि के स्थान पर है, तो निश्चित रूप से व्यवहार उनका उन्हीं के आधार पर ही है हमारे प्रति। तो मैं महाराज जी को भी वंदन करता हूं और उनकी कृपा के कारण ही हम सब ये रस ले पाए हैं, बस ऐसी कृपा उनकी बरसती रहे ये भी प्रार्थना करता हूं। अभी महर्षि से हम लोग सुनेंगे और उसके बाद निरार्जन होगा, निरार्जन के बाद आप सब प्रस्थान कीजिएगा। कल बीच में एक दिन का विश्राम है और फिर परसों से फिर दोनों टाइम की, अभी तो ढाई ढाई घंटे रखा था, अब भागवत तीन तीन घंटे रखे हैं, तो दोनों टाइम भागवत की कथा होगी, फिर बीच में विश्राम है एक दो दिन का, उसके बाद में फिर शिव पुराण है, फिर विश्राम है और उसके बाद में फिर यहाँ पुनः महाराज जी की गोद में भागवत की कथा है। इस बार लगातार महाराज जी की गोद में ये सत्संग का सत्र रखा गया है, महाराज जी की कृपा से मैंने पुरुषार्थ नहीं किया है, ये सहज हुआ है। हाँ, एक कथा के लिए मैंने पुरुषार्थ जरूर किया, उन्होंने निश्चित कर दिया था जो अभी दिन बाद चालू होगी, वहाँ होटल भी बुक कर दिया था जहाँ कथा उनको रखनी थी, सारी व्यवस्थाएँ हो गई थी, किंतु पता नहीं मेरे को लगा कि महाराज जी की आनंद जयंती पर हमारा जाने का मन नहीं था, और पूज्यमान जी महाराज ने हमको कहा था कि चार उत्सवों पर तुम कथा नहीं लेना, तुमको जहां रखना होगा मैं वहां रखूंगा, तुमको बंबई भेजना होगा तो बंबई भेजूंगा, यहां रखना हो तो यहां रखूंगा, तुम कथा नहीं लेना, तुम अपनी तिथि खाली रखना, और हमको जहां प्रयोग में लाना होगा मैं ला लूंगा। तो मैंने जब कथा दे ली तो मुझे लगा कि ये तो अपराध हो गया, तो मैंने उनको कहा एक काम करो तुम वृंदावन आ जाओ तुम लोग। उन्होंने कहा हमने वहां बुक कर लिया, हमने कहा कोई बात नहीं, तो महाराज जी के जन्मदिन पर ही हम जन्मोत्सव मनाएंगे, इधर नंदोत्सव मनाया जाएगा, पहले दिन दो बधाई लाला की होंगी फिर महाराज जी की बधाई होंगी। हमने कल कहा अपने मनोज कि महाराज जी का खूब सजाना और बंगला बनाकर महाराज जी को झूले पर बैठा करके खूब उत्साह से और महाराज जी की गोद में ही लाला को बैठा देना, हमारे लिए दोनों एक ही हैं, हमारे लिए नंदोत्सव और महाराज जी का जन्मोत्सव एक ही है, उसका भी हम लोग आनंद लेंगे। और यह निश्चित है, आप लोग भ्रम में मत रहिएगा कि यहाँ कई कथाएं हुई है हमारी भागवत की, उसके बाद भी ये कथा कुछ हटकर होगी और रसीली होगी। कारण क्या है, मैं स्वयं डूबा हुआ हूँ, स्वयं रस से भरा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से वह रसीली कथा होगी और कुछ अलग भी होगी, उस कथा का भी आप सब रस लीजिएगा क्रम से। अभी इनके तो जो लोग हैं वो लोग तो विदा होंगे, क्योंकि ये लोग जाएंगे तो दूसरे आएंगे, क्योंकि अभी तो कमरे का यहाँ ऐसा है सब पूरा भरा हुआ है, कल तो हमको लगा कि कहीं दूसरी जगह लेने पड़ेंगे, फिर महाराज जी ने कमरे की व्यवस्था कर दी, तो इनके तो लोग जाएंगे किंतु दूसरे कल आ रहे हैं, कल करीब 50-60 आदमी सुबह सुबह ही पहुंच जाएंगे, तो उनकी व्यवस्था भी सब होगी और फिर उनका आयोजन होगा। तो ये निश्चित रूप से श्रोता बदलते रहेंगे बाहर वाले, किंतु वक्ता ये यही रहेगा और स्थान भी यही रहेगा, गोद भी महाराज जी की यही रहेगी। आप सबके चरणों में बारंबार वंदन करता हुआ, ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता हुआ महर्षि के यही प्रार्थना है, हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। कई लोगों को अभ्यास नहीं है ऐसे बैठने का, हमको बहुत लोगों ने कहा कि महाराज एसी लगवा दो यहाँ, एसी लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें महाराज जी की कृपा है, किंतु क्या कहें, विद्युत की ऐसी व्यवस्था है कि यही एसी नहीं चल पा रहे हैं, दोषी आज मैं सोच रहा था ये भी उठा नहीं पाते, बिजली कम आती है, तो इसलिए लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा, और मुझे लगता है कि कुछ तो तप करना चाहिए, बिना तप के जो मिलेगा वैसे ही कई लोग आके सो जाते हैं और एसी लग जाएगा तो और सोएंगे, तो सोना न पड़े आप लोग जगते रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्था रखेंगे। महाराज जी से भी लोगों ने कहा, महाराज जी तो हमारे मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, एसी लगाना कोई बड़ी बात नहीं, चार पांच कलो एसी लगवा दें हम, किंतु हमको लगता है थोड़ा तप होते रहना चाहिए,
और यही हमारे लिए सब आप लोगों के लिए उपयोगी है। इसके जैसे व्यवस्था ठाकुर जी जब जो करते रहेंगे होगी। अभी हम सब लोग महर्षि से आशीर्वचन लेंगे, फिर निरार्जन करके हम सब प्रस्थान करेंगे। अभी महर्षि का आशीर्वचन हम लोग को मामू लगाओ। चल लगा दिया। नारायण 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 नारायण। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। एक कारीगर ने दो हाथी बनाई और उनके बहुत बढ़िया श्रृंगार किया और राजा के दरबार में ले गया। तो सोचा राजा प्रसन्न होकर हमको इनाम देंगे। तो लेके गया तो राजा ने कहा कि भाई ये दोनों हाथी कितने कितने के हैं। तो बोला कि एक हाथी 5,000 का, एक 50,000 का है। तो राजा ने गौर से देखा, बोले भाई दोनों बराबर हैं, दोनों श्रृंगार एक जैसा है, दोनों ऊंचाई, लेकिन एक 5,000 का एक 50,000 क्या फर्क है। तो बोला सीख मंगाओ। एक सीख आई तो एक हाथी कान में डाला, यहाँ निकल गया, बोले 5,000 वाला है। और एक को दूसरे को डाला ना तो पेट में चला गया, बोले 50,000 वाला है। तो हम लोगों 50,000 वाला बनना है। अभी जैसे गाय भैंस भोजन कर लेते हैं ना तो जुगाली करते हैं, ऐसे जो कुछ हम आचार्य जी से यहाँ सुने हैं उसको जाके घर पर मनन करना चाहिए, जो बात अपने अच्छी लगे बार 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 दोहराना चाहिए। तो दोहराने से ना बात हमेशा याद रह जाती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी हमको ऐसा साधन बताओ जो सरल हो, संक्षेप में हो, जिसमें कोई सामग्री न चाहिए हो, जिसमें सबका अधिकार हो और जल्दी फल देने वाला हो। तो बाबा हंस के बोले कि भगवान का नाम ही ऐसा है जैसा आप चाहते हैं। भक्ति जो ग्रंथ आप सुन रहे हैं इसी में भगवान शिव की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव का जो एक नाम लेता है उसको 10 औश में यज्ञ करने का पुण्य होता है, पर 10 औश में यज्ञ करने पर तो खाली पाप नष्ट होते हैं, लेकिन भगवान शिव का जो एक नाम लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठा कि दूसरा नाम ले ले तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। इसी ग्रंथ में आगे सुनेंगे आप कितनी महिमा है। इसलिए नाम नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, और अंक गए थे कुछ नहीं, अंक रहे 10 गुण। मान लो 5 मिंडी आप बनाओ और एक नहीं लिखो तो उसका कोई मूल्य है, और एक लगा तो लाख हो जाता है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान राम का नाम जो है तो अंक है और सब साधन शून्य है। इसलिए आप लोग दूसरे इतनी गर्मी में इतनी उमस में आप लोग अपने घर की इतनी बढ़िया सुख सुविधा छोड़ के और यहाँ तपस्या किए हैं। पर हमारे आचार्य ने एक बात बढ़िया कही कि तप से ज्ञान जो है टिकता है, तप जो है वो भी एक भजन है, वो भी तप से आदमी जो है वो महात्मा होता है और ज्ञान से आदमी परमात्मा होता है। बिना तपस्या कोई चीज लोगे ना तो उसमें फिर भूल जाता आदमी, और तप करके लिए रहोगे ना तो याद रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि गर्मी में इतनी उमस में आप लोग बैठे हैं, हमको तो आप सबका मैं आभार मानता हूँ, आप सबकी श्रद्धा का, आप सबके प्रेम का, आप सबके सद्भाव का। और हमारे आचार्य जी महाराज के बारे में तो मैं यही कहूँगा, इन्होंने देखिए बहुत परिश्रम करके विद्या अध्ययन किया है, बड़ा तप करके किया है। इनकी रहनी सहनी कभी आप सुनाएंगे फुर्सत में तो आप लोग आश्चर्य पड़ेंगे। जिन महात्मा के पास 11 साल की उम्र से घर छोड़ दिए थे, जिन महात्मा के पास रहते थे वो कौपिन में नहीं लगाते, नग्न रहते थे, अभी बनंगे रहते हैं। यहाँ कभी आते थे ना तो कमरे में जो कथा करने आने लगे तो ये कपड़ा लपेट देते थे उनकी कमर में, और वो महात्मा के यहाँ भिक्षा करके लाते थे, उनको खिलाते थे, अपने खाते थे। और बहुत सारी घटना वहाँ सुनाते हैं, हम तो आश्चर्य पड़ जाते हैं इतना तप करके विद्या अध्ययन किए हैं। इसलिए शास्त्र लिखा है जिससे कुछ ले उसको कुछ देना चाहिए। तो इनको तो महाराज जी का हमारे नियम पालन करते हैं। महाराज हमारे बंबई में 3 महीने तक कथा करते, जब चलने लगे तो महाराज बोले देखो भाई हम आप लोगों कथा सुनाए हैं तो हम हमारी दक्षिणा दो। तो दक्षिणा महाराज ये मांगते थे कि आप लोग जो भगवान का नाम नहीं लेते वो तो नाम लेना शुरू कर दो, लेकिन जो 5 माला फिराते हैं 10 करो, जो 10 फिराते हैं 15 करो, जो 15 फिराते 20 करो, भगवान के नाम की संख्या बढ़ाते जाओ। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं वो लेते रहिए और आनंद से रहिए। और वृंदावन धाम आने से भक्ति देवी सबके अंदर हैं, लेकिन जो वृंदावन आएगा उसकी भक्ति देवी तंदुरुस्त हो जाती हैं। तो आप भागवत में सुनेंगे भक्ति देवी वृंदावन आई ना तो तंदुरुस्त हो गई। इसलिए आप लोग खूब आनंद से
कथा सुने और आनंद से घर जाइए और फिर वृंदावन जल्दी जल्दी जाइए, आइए नारायण नारायण नारायण। अभी निरार्जन से पूर्व व्यासपीठ का पूजन करेंगे हमारे श्री सुभाष जी मित्तल, और उसके बाद निरार्जन करने के पश्चात यहाँ से पोथी जिस प्रकार से महाराज जी के यहाँ से लेकर के आए थे उसी प्रकार से पोथी यहाँ से संकीर्तन करते हुए लेकर के चलेंगे। गुण सब तेरे अर्पण, गुण गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे, मन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राणाधार, समरिया ले चल परली पार, समरिया पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, पार समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा सील गमा बैठी हूँ, लज्जा सील गमा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया पल्ली पार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, अज तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की तो कोई अफवाह नहीं है, जग में कोई अफवाह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम
चल परिणीपा। ओम ज्वालामालिन्ये नमः गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातसखो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय नर नारायण मिलकर भगवत गीता जग गावे। जय जय नर नारायण मिलकर भगवत गीता जग गावे। भरत वंश का गौरव वर्णन भरत वंश का गौरव वर्णन। भीष्म पितामह व्रत परिपालन भीष्म पितामह व्रत परिपालन। भक्त विदुर का पवित्र जीवन भक्त विदुर का पवित्र जीवन। सर्व सत्र में मैं संपायन मुनि हर जस गावे। जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नल दमयंती सुरम्य वार्ता नल दमयंती सुरम्य वार्ता। गुरुकुल कुलह भयावन गाता गुरुकुल कलह भयावह गाथा। विपदायों में श्री हरि त्राता विपदायों में श्री हरि त्राता। पतिव्रता सावित्री यम को जीत कीर्ति पावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। का स्वधर्म पालन। भीमार्जुन का दुष्ट निकंदन भीमार्जुन का दुष्ट निकंदन। अभिमन्यु का व्यूह विभेदन अभिमन्यु का व्यूह विभेदन। परी सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा हो वे। जय जय भारत पंचम वेद सुर नर मुनि गावे। जहाँ धर्म है कृष्ण वही है जहाँ धर्म है कृष्ण वही है। सत्य धर्म की सदा विजय है सत्य धर्म की सदा विजय है। यही सिखावत व्यास देव है यही सिखावत व्यास देव है। सज्जन संकट सागर लाए सुख शांति पावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। पाप मुक्ति व्यामोह निवारण पाप मुक्ति व्यामोह निवारण। पुण्य विवर्धन कविवर जीवन पुण्य विवर्धन कविवर जीवन। वेद सार संताप विनाशन वेद सार संताप विनाशन। श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय श्री पावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय नर नारायण मिलकर भगवत गीता जग गावे। जय जय नर नारायण मिलकर भगवत गीता जग गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। आरती सुर नर मुनि गावे आरती सुर नर मुनि गावे। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोहदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
हस्ताभ्याम पुष्पाणि गृहीत भावपुष्पांजलि ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनाकं महिमानः सदन्तक्षत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाज्ञै पोन्नागजातकरवीरशालपुष्पैर्वा प्रवालतुलसीदलमाञ्जलिभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुवर्णपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वञ्जं वेदस्वरूपिणे श्रीमहाभारताय नमः श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय श्री मांगे बिहारी लाल की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय नारायण वासुदेव।